80% of our success depends on our mindset. आपने ये कई बार सुना होगा, आपको कई लोगों ने ये बताया होगा, मगर आपको क्या ये समझ आया है कि किस तरीके से वो 80% माइंडसेट हमें फॉर्म करना है? अगर हम एक एंटरप्रेन्योर है या फिर हम अभी हम बन रहे हैं, बनना चाहते हैं, हमने अभी स्टार्टअप ही किया है, किसी भी हम स्टेज पे हैं एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अपने, मगर क्या हमें पता है हमारा माइंडसेट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उसको कैसे सेटअप करना है और क्या मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती है जब हम एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं 7 सीक्रेट्स जो कि एक एंटरप्रेन्योर्स को इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं और उन्हें कैसे ओवरकम करना है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला, मैं एक माइंड और मेमोरी ट्रेनर हूँ और एक मैं पीक परफॉर्मेंस कोच हूँ। मैं बिजनेसेस की लोगों की हेल्प करती हूँ गोल सेटिंग में एंड आगे कैसे बढ़ना है अपनी लाइफ में उसके लिए। और आज मैं आपके साथ जो सेशन शेयर करने वाली हूँ उसमें मेरे साथ है अनिल कुमार। मिस्टर अनिल कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक खुद एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, जो कि एक लाइफ कोच है, और आज हम दोनों मिलके आपको एक शेयर करने वाले हैं ये 7 सीक्रेट्स। तो अनिल जी, क्या आप अपनी इंट्रोडक्शन दे पाएंगे? थोड़ी सी आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज, कि आप क्या करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली यू आर वर्किंग ऑन। थैंक यू प्रतिष्ठा जी, सभी मेंबर्स का स्वागत है आज इस ग्रुप पे। आज हमें अवसर मिला आप लोगों के साथ मुलाकात करने का। काफी दिनों से हम सोच रहे थे इस कोरोना वायरस के ड्यूरेशन में हम कुछ पॉजिटिविटी आपके साथ शेयर करें, कुछ बेहतर आपके साथ शेयर करें। मैं अपने फेसबुक पेज पे रेगुलरली हर रोज शाम को 6 बजे एक बार लाइव आता हूँ ताकि लोगों की हेल्प की जा सके। अभी आज प्रतिष्ठा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दुबई से और मैं हूँ बेंगलोर से। बेसिकली आई एम वर्किंग ऑन द एजुकेशन इंडस्ट्री और फॉर द कपल ऑफ इयर्स, और आज अराउंड 135 प्री स्कूल चेन है मेरी, और पिछले 10 साल से मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ ट्रेनिंग एंड कोचिंग में, और वी आर वर्किंग द माइंड साइंस। तो बेसिकली आज एक अवसर मिला है आप लोगों के साथ रूबरू होने का, आप लोगों के साथ मुलाकात करने का, और इस नेगेटिव माहौल में किस तरह पॉजिटिव एनर्जी जनरेट की जाए, किस तरह एक ऊर्जा का फ्लो किया जाए जिसमें लोग और सफल और सक्षम और समृद्ध महसूस करें। तो आज इस प्रोग्राम का शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एक टेक्निक की। भाई कोई भी चीजें हैं, जब हम अमूमन अपने टीचर से पूछा करते थे कि पक्षी क्यों उड़ते हैं, हम क्यों नहीं उड़ते, तो अमूमन हमारे टीचर एक सवाल कहा करते थे कि इन्हों ये हल्के हैं तब उड़ते हैं। यानी कि यदि आपको ऊंचाई पे जाना है, यदि आपको अपनी सफलता के शिखर तक पहुंचना है, तो आपको अपने आप को हल्का बनाना होगा। हल्का इन द सेंस कि आपको अपने स्टेट ऑफ माइंड को हल्का रखना होगा। आपके अपने मानस पटल पर जो पास्ट के फेलियर्स, पास्ट के सेटबैक्स और पास्ट की एंजाइटी जो आपको हमेशा तंग करती रहती है, उनको आपको हटाना होगा। दोस्तों मैंने बहुत से सेशनों में एंटरप्रेन्योर्स के साथ में इंटरेक्शन के ड्यूरेशन में मैंने पाया है कि बहुत से एंटरप्रेन्योर अपने आप को इसलिए आगे नहीं बढ़ा पा रहे कि उन्होंने कभी पास्ट में कुछ ऐसा स्टेप उठाया था जिसकी वजह से वो फेल हुए थे, तो वो फेलियर आज भी उनके पास अटका हुआ है, आज भी उनकी फाइल वहीं पे अटकी हुई है और वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ने में असक्षम पा रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है, किस तरह से अपने पास्ट को, जब आप अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको उस पास्ट के उस फेलियर को ब्रेकअप करना होगा। एक छोटी सी एग्जांपल से समझिएगा कि आपके अपने स्कूल ड्यूरेशन में यदि किसी बच्चे के साथ में कोई फेलियर हो गया, कोई उस पे चढ़ रहा स्टेज पे परफॉर्मेंस के लिए गया, वहां पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, तो वो आज भी अपने दिल के अंदर वो स्टेज फियर रखे हुए होगा। तो दोस्तों इसी तरह आज अगर हम देखते हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने अपने इस पास्ट के फेलियर्स को, पास्ट के सेटबैक्स को, पास्ट की एंजाइटीज को अपने मानस पटल से हटाया है। तो दोस्तों जब तक आप अपने आप से अपने पास पेनफुल मेमोरीज को, अपने सेटबैक्स को अपने मानस पटल से नहीं हटाएंगे, तब तक आपके लिए समस्या बन के रहेगा। तो पहला सीक्रेट यही है कि जो आपके पास्ट के फेलियर्स हैं, पास्ट के सेटबैक्स हैं, जो आज भी आपको बांधे हुए हैं, उनको आप एक बार रीड आउट कीजिए। उनको जब रीड आउट करोगे तो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी और आप और बेहतर और सक्षम और सफल हो पाएंगे। जी प्रतिष्ठा जी, अगला सीक्रेट आप शेयर कीजिए।
जी अनिल जी, बिल्कुल आपने बहुत वैलिड और बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि हमें हमारे पास्ट से छुटकारा लेना पड़ेगा अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये पास्ट की मेमोरीज कोई छोटी से छोटी भी होती है। कई बार हमारे फैमिली या फ्रेंड्स ने हमें हल्का सा बोला होता है कि तुमसे नहीं होगा, और हम उसी एक बिलीफ को लेके आगे चलते रहते हैं, उसी एक पास्ट मेमोरी को लेके आगे चलते रहते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैं आपके साथ सेकेंड सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ, बट से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सबसे कि अगर आपको कहीं पे जाना है, आप एक बस स्टॉप पे जाते हैं और आपको पता नहीं आपको जाना कहाँ है, तो क्या आप कहीं पे भी पहुंच जाएंगे? आपका अगर डायरेक्शन सेट नहीं है तो आपको आपको लगता है कि जिस डेस्टिनेशन पे आप पहुंचेंगे उसको आप पसंद कर पाएंगे? नहीं, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं है लाइफ में जाना कहाँ है और हम सिर्फ एक डायरेक्शनलेस बस में बैठ जाते हैं और हम कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। जब हम नई जगह पे पहुंच जाते हैं तो हमें लगता है नहीं, ये तो मुझे नहीं चाहिए था, मुझे तो कुछ और चाहिए था। जैसे कितने सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे साथ भी पर्सनल कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि मैंने इंजीनियरिंग करा, फिर MBA करा और फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो मुझे नहीं करना, क्योंकि तब तक मेरा गोल ही सेट नहीं था। मैं सिर्फ एक जो जहाँ पे भीड़ जा रही थी वहीं पे चले जा रही थी और उसी एक जॉब जो भी एक इंजीनियर और MBA की लाइफस्टाइल होती है वही कर रही थी। और मेरे साथ बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स और कोलीग्स हैं जिनके साथ सेम इश्यूज था कि वो एक जॉब से दूसरी जॉब बदल रहे थे, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता था कि उनको लाइफ में पहुंचना कहाँ है। तो उसके लिए आपको पहले रुकना होगा, सोचना होगा जाना कहाँ है, तभी आप कहीं पहुंच सकते हैं। इसे आप कंपेयर कर सकते हैं गूगल मैप से, जैसे कि आप गूगल मैप में डालते हैं कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में आप कहाँ पे हैं और आप फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हैं, मतलब आप अभी कहाँ पर हैं और कहीं और कहाँ पे जाना चाहते हैं। जब आप ये दोनों चीजें गूगल मैप पे डालते हैं तभी आपको गूगल मैप वहां पे पहुंचा देता है। तो उसी तरीके से आपको भी पता होना चाहिए आप अभी कहाँ हैं और आप आगे कहाँ जाना चाहते हैं, तभी आप उस जगह पे पहुंच पाएंगे। मगर अगर आपको पता नहीं है तो 9999 टाइम्स आप कहीं और पहुंच जाएंगे और आपको बहुत लेट एहसास होगा कि मैं तो गलत आ गया, मैं तो खुश नहीं हूँ। तो हमेशा अपनी लाइफ में गोल्स रखें और अपने गोल्स के डायरेक्शन में आगे बढ़े। ऐसा ना करें कि आप किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं और उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने गोल्स को चेंज कर रहे हैं, उससे हमारी लाइफ में मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जब हम एक काम करते हैं फिर दूसरा काम करते हैं और हम सोचते हैं कि जो भी मिलेगा हम उसमें खुश हो जाएंगे और अंत में हमें एक अनसैटिस्फाइड लाइफ मिलती है। तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए गोल्स होना और उस गोल्स की तरफ का डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, तभी वो एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल हो पाएगा। वरना वो आज एक बिजनेस में जाएगा, उसको लगेगा कि नहीं ऑफलाइन बिजनेस मोड बहुत अच्छा है, मैं ऑफलाइन में जाता हूँ, फिर एकदम से ऑनलाइन में आ जाएगा, नहीं ऑनलाइन बिजनेस मोड बहुत अच्छा है, चलो ऑनलाइन करते हैं। इस तरीके से वो ऑनलाइन में जाने के बाद उसको वहां डिफिकल्टीज मिलेगी, फिर वो दोबारा ऑफलाइन में आ जाएगा या फिर वो उस काम को ही छोड़ देगा। ऐसा होता है कितनी बार कि हम नहीं समझ पाते, हमें जहाँ लुक्रेटिव ऑफर मिलती है हम वहीं चले जाते हैं क्योंकि हमारा कोई गोल नहीं है। तो अपना एक गोल होना, डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। आपका क्या विचार है अनिल जी इसके बारे में? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक हमारे पास गोल नहीं है हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। एक बहुत अच्छी किताब में मैंने पढ़ा था, एक बहुत बेहतरीन स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ कि यदि दो सिप एक साथ निकलती हैं और एक सिप के पास अपना मैप है, एक सिप के पास अपनी स्ट्रेटजी है कहां तक जाना है, उसके पास डेस्टिनेशन क्लियर है, उसके वहां तक का उसने राशन भी ले रखा है, सारी चीजें ले रखी हैं और सब चीजें एक हर क्रू मेंबर तक को पता है कि उनको कहां जाना है, और एक सिप है कि जिसको कुछ नहीं पता, जस्ट सामान उन्होंने लोड किया और चल दिए। दोस्तों 99% चांस है जो सिप पूरे मैप के साथ में, पूरी स्ट्रेटजी के साथ में है, वो अपनी मंजिल पर पहुंचेगी। जबकि जिस सिप के पास में अपना कोई गंतव्य स्थान फिक्स नहीं है, उसके मोर देन 90% चांस है कि वो कहीं ना कहीं भीड़ में ही रह जाएगी, वो कभी भी अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएगी। तो दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें अपने गोल को डिसाइड करना बहुत जरूरी है। एक और छोटी सी स्टोरी के साथ में एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँ कि आज मैं जयपुर की टीम से बात कर रहा हूँ, जयपुर के एंटरप्रेन्योर से मुखातिब हूँ। तो दोस्तों एक बार सोच के देखिएगा, यदि जैसा कि प्रतिष्ठा जी ने बताया कि यदि आपके पास गोल नहीं है और आप देखते हैं कि भाई किसी भी इन्फ्लुएंस में आकर के कोई डिसीजन ले लेते हैं, तो वो किस तरह से आपको इफेक्ट करता है, इसको इस तरह से समझिएगा कि आप जयपुर से चले और आप
देखा कि एक अच्छी गाड़ी आ रही है, कोई भी अच्छी गाड़ी देखी, उसमें बैठे, वहां से जयपुर से आप मथुरा चले गए, मथुरा से जाकर के बैंगलोर वाली गाड़ियों में पहुंच गए, बैंगलोर पहुंच गए, बैंगलोर से चेन्नई पहुंच गए, फिर वहां से जाकर के आप बताते हो एक्चुअली मेरे को ना अहमदाबाद जाना था। तो अब जरा सोचिएगा कितना वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी जो आपने किया। यदि आपको ये पहले बताओ तो आपको अहमदाबाद जाना है, तो जयपुर से आप बहुत इजी तरीके से आप अहमदाबाद पहुंच सकते थे, और आपको बहुत से लोग गाइड करने वाले भी मिलते। तो बहुत बेहतरीन पॉइंट प्रतिष्ठा जी ने बताया। और अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूं कि दोस्तों इंटरप्रेन्योर्स को बहुत बार, इंटरप्रेन्योर्स को जो रोकता है वो ये रोकता है, जो उनको इनिशिएटिव लेने से पहले ही रोक देता है वो एक फियर होता है, फियर ऑफ जजमेंटल। जी हाँ दोस्तों, फियर ऑफ जजमेंटल होता है, जो सामने वाले व्यक्तियों को इस बात पे फोकस करने पे इंपोज करता है कि लोग क्या कहेंगे। जब लोगों की चिंता आप करने लगते हो तो एक बार सोच के देखिएगा कौन कौन लोग हैं जो आपको कुछ कहने वाले हैं। एक बार उन लोगों की सूची बनाइएगा, आप पाओगे कि आपके जीवन में जो लोग आपको गाइड करने वाले हैं, जो लोग कुछ कहने वाले हैं, वो एक्चुअल में कोई वर्चस्व नहीं रख रहे अपनी जिंदगी में, वो खुद की जिंदगी में कोई वर्चस्व नहीं रख रहे, वो आपको कुछ कहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है उससे। एक छोटी सी एक्सरसाइज में बताना चाहूंगा आप सभी दोस्तों को जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और उससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या किसी भी तरह का आपको कोई सुझाव होता है, आपका कोई सवाल होता है, तो आप हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, ताकि हम इस सेशन में आपके उनका जवाब दे पाए। और दूसरा, इसको शेयर की कर दीजिएगा उन मैक्सिमम लोगों तक, उन इंटरप्रेन्योर्स तक जो इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या बन रहे हैं, उन तक भी, ताकि वो भी अपने जीवन को और बेहतर बना पाए। चलिएगा, अब देखते हैं कि आपके पास एक फियर आया हुआ है, आपके पास एक डर आया हुआ है कि आप किस तरह से अपने आप को, अपने इस गोल को बेहतर बनाएं, लेकिन आपको एक डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों एक बार एक एक्सरसाइज कीजिएगा, एक पेपर पेन लीजिएगा और एक बार बैठ करके शांति से अपने परिवार, अपने एकांत में बैठ करके एक लिस्ट बनाइएगा, कौन कौन लोग हैं जो आपको कुछ कह सकते हैं, कौन कौन लोग कह रहे होंगे आपको, उनकी एक लिस्ट बनाइएगा और देखिएगा उनमें ज्यादातर लोग वही होंगे जो एक्चुअल में लाइफ में कुछ नहीं कर रहे, और फिर भी आप उनकी लिस्ट बनाइएगा। और जब उनकी लिस्ट बनाओगे तो आप पाओगे कि उन लिस्ट में से सबको उठाइएगा लिस्ट बनाने के बाद में, और एक एक को कॉल कीजिएगा और उनको कहिएगा, मिस्टर एक्स आप मुझे क्यों रोक रहे हैं, आप, मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं, मैं अपने इस फील्ड में एक्सेल करना चाहता हूं अपने आप को, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं। जब आप मिस्टर एक्स से पूछोगे तो मिस्टर एक्स कहेगा, मैं तो आपसे बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कैसे रोक सकता हूं, मैंने तो आपको कहा ही नहीं कभी, मैं आपको कैसे रोक सकता हूं आपकी प्रोग्रेस को। और आप पाओगे कि आपको, आपने 10 आदमियों की लिस्ट बनाई है जो आपको रोक रहे थे, उनमें से एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको रोक रहा हो। दोस्तों ये एक्सरसाइज आप करके देखिएगा, हकीकत में आप इस बीमारी से पीछा छुड़वा पाएंगे कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। तो चलिएगा दोस्तों, ये एक्सरसाइज आप कीजिएगा, अगली सीक्रेट के लिए मैं प्रतिष्ठा जी को आमंत्रित करता हूं। चलिएगा प्रतिष्ठा जी, आप बताइएगा कैसे, क्या विचार है आपका। हाँ जी सर, आपने बहुत वैलिड पॉइंट बोला, फियर ऑफ जजमेंट। और अगर हम फीमेल एंटरप्रेनर्स पे आए, फीमेल एंटरप्रेनर्स को ये और ज्यादा चीजें कई बार लग जाती है एज कम्पेयर टू मेल एंटरप्रेनर्स। मेल एंटरप्रेनर्स के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैटर कर जाता है, बट फीमेल्स को क्या लगता है कि हम, हमारा हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेगा, हमारे मदर इन लॉ सपोर्ट नहीं करेगी, हम आगे बढ़ गए तो वो लोग क्या सोचेंगे, रिलेटिव क्या सोचेंगे, और इस वजह से वो लोग आगे बढ़ने से पहले ही रुक जाती है। और जो मेल एंटरप्रेनर्स या नॉर्मल बाकी हर किसी एंटरप्रेनर की हम बात करें, तो ये फियर ऑफ जजमेंट उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे बढ़ने से रोकता है। मगर अगर वो लॉन्ग टर्म में सोचे कि जब वो सक्सेसफुल होंगे तो तब वो लोग क्या कहने वाले, तो ये भी एक काउंटर स्ट्रेटेजी हो सकती है कि अगर जब अभी हम फेलियर हो रहे हैं या फिर अभी हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मगर अगर हम एक बार सक्सेसफुल हो गए तो इन लोगों की स्टेटमेंट कैसे चेंज होगी। मेरे ख्याल वो भी एक अच्छा उनको व्यू पॉइंट दे जाएगा, जब हमारे पास शॉर्टलिस्ट हो जाए, जैसे कि एनर्जी ने सजेस्ट किया कि आप शॉर्टलिस्ट करें कि वो लोग हैं क्या, अब जो भी वो डायलॉग बोल रहे हैं उसको उल्टा कर दीजिए कि वो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं। आई थिंक दैट इज सम स्ट्रेटेजी जो मैंने यूज करी थी और मुझे बहुत यूजफुल लगी। तो नेक्स्ट जी, नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने फोर्थ सीक्रेट पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम में से बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स के लिए कॉमन इशू है। एक आजकल के टाइम पे तो कोविड 19 की वजह से
वो सब लोग कहीं ना कहीं इस चीज में फंस गए हैं, और वो है प्रॉब्लम थिंकिंग। प्रॉब्लम थिंकिंग का मतलब है हमारा जितना भी फोकस है वो सारा प्रॉब्लम्स पे है कि काम नहीं चल रहा है। अब ये काम नहीं चल रहा है वाली प्रॉब्लम थिंकिंग का मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। डीमोनेटाइजेशन से पहले जब मेरे कुछ एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स थे, मैं उनसे पूछती थी काम कैसा चल रहा है, तब मैं जॉब में थी, तो मुझे आंसर मिलता था ठीक है, खर्चा चल जाता है, इतना अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, फिर एकदम से डीमोनेटाइजेशन आया और उस टाइम पे वो लोग इतना पैनिक मोड में आ गए, उन्होंने बोला हमारा पूरा काम खराब हो गया है और हमारे को बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हो रहा, काम बिल्कुल उसकी वजह से सफर कर रहा है। तो मुझे लगा कि अच्छा डीमोनेटाइजेशन की वजह से इनका काम खराब हुआ होगा, फिर ये छोड़ देंगे क्या एंटरप्रेन्योरशिप? नहीं, वो कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स आ रहे थे। फिर जैसे ही बैंक्स का इशू आया इंडिया में, कुछ बैंक्स के घोटाले हुए, तो उन्होंने बोला अब हमारा बिजनेस बिल्कुल खराब हो चुका है बिकॉज बैंक्स में घोटाले हो गए। तो उनको एक नई प्रॉब्लम मिल गई, एक नया चीज मिल गया फोकस करने का कि बैंक्स की वजह से हमारा बिजनेस नहीं चल पा रहा। ओके, तो ठीक है, फिर डीमोनेटाइजेशन की वजह से आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा था या बैंक की वजह से? दैट इज अ रियल कंफ्यूजन फॉर मी। मगर जैसे ही COVID-19 आया तो सडनली सारा ब्लेम COVID-19 पे आ गया कि COVID-19 की वजह से हमारा बिल्कुल बिजनेस खराब हो गया है। देखिए, कहीं ना कहीं ये सच्चाई होगी कि कहीं कुछ इम्पैक्ट आया होगा, कहीं ना कहीं COVID-19 की वजह से बहुत लोगों के बिजनेसेस जो तरीके से पहले काम कर रहे हैं उस तरीके से नहीं कर पा रहे। मगर ये प्रॉब्लम थिंकिंग का हमारा रिजल्ट होता है कि हम सारा ब्लेम उस पर डाल दें कि COVID-19 की वजह से हमारा बिजनेस सेटअप फेल हो रहा है। अगर हम इसको सॉल्यूशन की तरफ देखें कि अच्छा अगर COVID-19 आ गया है और मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा, किसी की वजह से भी ये हुआ हो और ये कैसा भी चल रहा हो, इसकी जगह अगर मैं ऐसे सोचूं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इस एनवायरनमेंट में मैं अपने लिए कैसे नया रास्ता बना सकता हूँ, तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत आसान होगा आगे बढ़ना। और ऐसे कई एंटरप्रेन्योर है, हालांकि उनकी परसेंटेज बहुत ही कम है, यानी कि less than 20% entrepreneur ऐसे हैं जो इस टाइम पे solutions ढूंढ रहे हैं और नई learnings कर रहे हैं और इस टाइम को पूरा utilize कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। बट जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो thrive कर रहे हैं, उनके business आज भी चल रहे हैं because उन्होंने problem को देखा, समझा और solution ढूंढना start कर दिया। तो जो next secret है कि हमें problem thinking नहीं रखनी, next problem जो हमारे सारे businesses में आ रही है वो है problem thinking की, उससे हटके हमें solution thinking पे जाना है। बहुत बढ़िया, ओवर टू यू अनिल जी। बहुत बढ़िया प्रतिष्ठा जी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब किया कि अमूमन आज के माहौल में, इस नेगेटिव सिचुएशन में अगर आप चारों तरफ देखते हो तो हर कोई नेगेटिविटी की तरफ ध्यान दे रहा है, पॉजिटिव पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। जहां आज इस सिचुएशन को देखेंगे तो अगर जो जो आज लो आपने 20% लोग एंटरप्रेन्योर बताए हैं, जो आज अपने आप को स्किल्ड कर रहे हैं, जो आज अपनी एक्स को धार स्थापन कर रहे हैं ताकि वो कोरोना वायरस के इवेंट के बाद में वो अपने आप को डबल धमाके के साथ में बूस्ट अप कर पाए, वो अपने आप को एक सिस्टम के साथ में रेज कर पाए। तो इसमें कोई दो राय नहीं, डिपेंड करता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू का। कोई कुछ लोग आज सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे इस तरह प्रॉब्लम 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 में देखे जा रहे हैं और कुछ लोग इसमें से सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो आज जरूरत है अपने आप को स्किल्ड करने की, आज जरूरत है अपने आप के लिए नए रिसोर्सेज ढूंढने की, आज जरूरत है अपने आप को एक प्रोस्पेक्टिव प्लान के साथ में, स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ में तैयार करने की, ताकि जैसे ही लॉकडाउन बंद हो वो आप स्टार्टअप काम कर सके। तो दोस्तों, अगले सीक्रेट की जब मैं बात करूं तो वो है जो एंटरप्रेन्योर्स को रोकता है, एंटरप्रेन्योर्स को थाम लेता है, वो है एक प्रोस्पेक्टिव फेलियर का डर, एक फियर ऑफ प्रोस्पेक्टिव फेलियर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने एक कमेंट्स आया है एक साथी का, थोड़ी देर में लेते हैं, सेशन के एंड में लेंगे उन कमेंट्स को हम। तो जैसे कि हम इन चीजों पे फोकस करते हैं, जब भी हम अपने गोल पे फोकस करते हैं तो एक डर हमेशा बना रहता है लोगों को, काफी लोगों को, कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं ऐसा नहीं किया तो, अगर मेरे साथी छोड़ के चले गए तो, अगर मेरे स्टाफ ने सपोर्ट नहीं किया तो। तो दोस्तों, इनको दो तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। पहली चीज देखिए, फियर होना कहीं कहीं पॉजिटिव भी है तो कहीं खतरनाक। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आप उसको डिसाइड करेंगे, आप उस पर देखिएगा कि जब आप अपने एस्पेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, जब आप इस फीलिंग पे काम कर रहे होते हैं, तो उस फीलिंग को ऑब्जर्व कीजिएगा, पहले पॉजिटिव लीजिएगा कि जो फीलिंग आपके पास आ रही है, इस फीलिंग को यदि आप पॉजिटिव लेते हैं तो आप उसमें आपको क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, आप उन प्रिकॉशनरी मेजर्स को लीजिएगा। और जैसे ही आप उस पे ये फाइंड आउट करते हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ साथ में आप
फाइंड आउट करते हैं कि भाई जब जैसे ही आप उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने ले लिया, लेकिन कुछ कंटेंट ऐसा है जो एक्चुअल में वेग है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जो एग्जिस्टिंग में नहीं करता है, तो फिर उसको छोड़ दीजिएगा। क्योंकि अगर आपने रियल फियर को भी अगर आपने अवॉइड किया तो आपके एक्सीडेंट होने के खतरे ज्यादा रहेंगे। एक छोटे से एग्जांपल से, यदि आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, आपको एक फियर आता है कि यार अगर मैंने नहीं किया तो ब्रेक नहीं है तो हम तेज चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो जी हाँ जीनियन है, ये फियर जीनियन है, होना भी चाहिए, ताकि आप इस फियर से अपने आप को पहले सजग करें और अपनी गाड़ी का रिपेयर करवाएं, मेंटेनेंस कराएं, जहां वो गलती होने की संभावना उस चीज को रिकूप कर पाए। तो पहला स्टेप यही होगा। दूसरा स्टेप ये कि अगर वो पॉइंट वेग है जो आपको इरेशनल फियर दे रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। तो जब आप इन चीजों पे फोकस करोगे दोनों पॉइंट्स पे, तो आप इस प्रोडक्टिव फियर से, जो आपको फेलियर का डर जो आपके अंदर आ रहा है, उससे आप छुटकारा पाओगे। क्या कहते हैं प्रतिष्ठा जी आप इसके बारे में? सर आपका बिल्कुल सही पॉइंट है कि हमारे को फियर ऑफ फेलियर इतना ज्यादा होता है कि हम नेक्स्ट स्टेप ही नहीं लेते, मगर कई बार ये फियर सच भी नहीं होता, ये इरेशनल होता है। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम असली और हमारे बिलीफ को, मतलब ये सिर्फ फियर हमारे बिलीफ में है या वो असली में एग्जिस्ट करता है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर हम 100th फ्लोर पे खड़े और हमें डर है कि हम नीचे गिर जाएंगे, तो वो बिल्कुल सही फियर है, मगर अगर हम खड़े ही ग्राउंड फ्लोर पे और हमें तब भी लग रहा है कि हम गिर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक इरेशनल फियर है, क्योंकि हम गिरेंगे भी तो हमें इतनी चोट नहीं आएगी जितनी 100th फ्लोर से आ जाएगी, तो वो इरेशनल हो जाएगा। तो हमें जानना है कि अगर हम एक एंटरप्रेन्योर हैं, हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें क्या क्या एक्चुअली प्रॉब्लम्स आ सकती है और हमें क्या क्या हमारे अंदर कैपेबिलिटीज होनी चाहिए उनको ओवरकम करने के लिए। अगर हमें मेंटोर्स की जरूरत है उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो हमें मेंटोर्स ढूंढने चाहिए। बहुत सारे लोग मेंटोर्स नहीं ढूंढते, वो सिर्फ अपने फियर्स में रह जाते हैं, वो मेंटोर्स से नहीं पूछते अपने कि हमें क्या करना चाहिए, वो दूसरे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के साथ कनेक्शन नहीं बना के रखते क्या, और वो अपने ही डर में अंदर ही अंदर होते जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसी के साथ, जैसे हमारे अंदर एक फियर ऑफ फेलियर आता है, तो हमारे अंदर एक और टेंशन होती है जो फियर ऑफ फेलियर से ही थोड़ा सिमिलर है, उसका एक स्टेप आगे, कि हमारे को परफेक्शनिस्ट सिंड्रोम हो जाता है। परफेक्शनिस्ट सिंड्रोम में हमेशा बहुत, उससे कहती हूँ, बहुत ही मुझे बहुत खुशी होती है इसके बारे में बताते हुए, क्योंकि परफेक्शनिस्ट सिंड्रोम कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल रहा था। परफेक्शनिस्ट सिंड्रोम का मतलब है कि हमेशा परफेक्ट चीज करने की टेंशन, के जो भी करूँ ना परफेक्टली करूँ, हमेशा लोग इसको लाइक करें, ताकि कोई मेरे को फियर ऑफ जजमेंट ना आए, ताकि मैं फेल ना हो पाऊँ। तो जो जो आपने फियर्स बताए, उन सब फियर्स से बचने के लिए हम एक परफेक्शन ढूंढने लगते हैं अपने अंदर, और इस परफेक्शन के चक्कर में हम एक्शन ही नहीं ले पाते। इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने कुछ साल पहले जब मैं कंसल्टिंग जॉब में थी, तो मैंने एक इंटरव्यू दिया, क्योंकि मुझे दूसरी प्रोफाइल में शिफ्ट होना था, तो मैंने एक इंटरव्यू दिया और मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, मैंने सिर्फ रैंडमली उस इंटरव्यू को दे दिया और वो इंटरव्यू में नहीं क्लियर हुआ, बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। बट उसकी वजह से मेरे अंदर इतना ज्यादा फोबिया आ गया कि नहीं, पहले मैं और पढ़ाई करूँ, उसके बाद ही मैं कंपनी में अप्लाई करूँ। तो वो परफेक्शनिस्ट के सिंड्रोम की वजह से मैं अप्लाई करने से भी डरने लग गई। उसके वजह से कई अपॉर्चुनिटीज हमारी लाइफ में लूज हो जाती है, उसकी वजह से कई अपॉर्चुनिटीज लूज हो गई। यानी कि उसकी जगह अगर मैंने इंटरव्यू में अप्लाई किया होता, तो हो सकता है कोई ना कोई कंपनी मुझे वहां पे ले लेती, मैं जिस MNC से दूसरी MNC में शिफ्ट करना चाहती थी वो ईजी हो जाता। बट बिकॉज ऑफ द परफेक्शनिस्ट सिंड्रोम मैंने वो नहीं किया। तो इससे परफेक्शनिस्ट सिंड्रोम से हमें बाहर निकलना है। एज एन एंटरप्रेन्योर हमें सोचना है कि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट स्टेप क्या ले सकते हैं। हमें दूसरे सक्सेसफुल बिजनेसमैन से कंपैरिजन नहीं करके चलना। मैं इसका एक एग्जांपल ये देना चाहूंगी कि जो भी बिजनेस स्टार्टअप्स हैं, जब भी वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपना बिजनेस प्लान बनाते हैं, तो वो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं टॉप नॉच कंपनीज से। वो देखते हैं कि जो टॉप नॉच लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे सक्सेसफुल है, उनमें क्या क्या क्वालिटीज हैं। फिर एक कंपैरिजन स्टार्ट होता है कि वो लोग इतना कुछ कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा, तो नोबडी विल बाय फ्रॉम मी, मुझसे कोई नहीं खरीदने वाला, तो मुझे ट्राई नहीं करना चाहिए। पहले मैं परफेक्ट बन जाऊं, पहले मैं हर चीज सीख लूं, पहले मैं सारी टीम तैयार कर लूं, सारे फाइनेंसेस ले आऊं, फिर मैं फर्स्ट स्टेप लूंगा, ताकि मैं उनके कंपैरिजन में आ सकूं।
हम ये रियलाइज नहीं करते कि हमारा कंपैरिजन उनसे नहीं है, ना हमारा कस्टमर बेस उनके वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी 10, 15, 20 ईयर्स से बिजनेस में है। उसकी जगह अगर हम ये सोचे कि हमारा कस्टमर बेस क्या हो सकता है, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम सर्व कर सकते हैं, छोटा सा स्टेप लेके कौन सा फर्स्ट स्टेप हम ले सकते हैं टूवर्ड्स दैट बिजनेस, तो हमारे कोई परफेक्शनिस्ट सिंड्रोम से हम बच सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं, which is very important. Business में action is much more important than perfection. So आप इसे लिख भी सकते हैं, action is much more important than perfection. Take action, don't try to be perfect. There is no perfect human being. कोई भी perfect नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रतिष्ठा जी, आपने बहुत अच्छे से कंक्लूड किया इस टॉपिक को। हमारे एक व्यूअर हैं सुरेश खत्री जी, उन्होंने बहुत गजब की लाइन लिखी है कि उन्होंने इस ड्यूरेशन में भी हैप्पीनेस को चूज किया और इन्होंने इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में भी अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखने की कोशिश की। सुरेश खत्री जी, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आप ये डिजर्व भी करते हैं और आप वही लोग सक्सेस होते हैं जो इस तरह की अप्रोच रखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बताना चाहूं, हर चीज आपके पास अवेलेबल है, ये डिपेंड ये करता है कि आप देख कहां रहे हैं। इस एक्सरसाइज, एक छोटी सी एक्सरसाइज इसी के साथ में सुरेश खत्री जी ने जो कहा है उसके साथ में एसोसिएट कर देता हूं कि आपके चारों तरफ प्रॉब्लम्स भी हैं और सॉल्यूशंस भी हैं। अब आप उनको देखते कैसे हैं, एक छोटी सी एग्जांपल से मैं एक्सरसाइज कराऊं। आप एक बार अपने चारों तरफ एक बार नजर घुमा के देखिए और एक बार आंखें बंद करके देखिए कि कितने, क्या कहीं आपने रेड कलर देखा तो शायद अभी नजर नहीं आएगा और रेड कलर वहां है, नहीं नजर आ रहा। लेकिन अब आंखें खोलकर एक बार रेड कलर को अपने चारों तरफ आइडेंटिफाई कीजिए, आपको दिखाई देगा, कहीं बिजली बोर्ड अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड में नजर आएगा, कहीं आपको सराउंडिंग में कहीं और नजर आएगा, कहीं लैपटॉप में नजर आएगा, कहीं भी बहुत सी जगह आपको ये रेड कलर नजर आएगा। क्यों? क्योंकि अब आपने उस पर फोकस किया। तो इसी तरह दोस्तों, आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन सारे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज दिखती किसको हैं? उन एंटरप्रेन्योर्स को दिखती हैं सिर्फ, उन 95% लोगों को नहीं दिखती। वो सॉल्यूशन दिखते किसको हैं? उन एंटरप्रेन्योर्स को दिखते हैं जो सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, जो सॉल्यूशन का स्टेट ऑफ माइंड रखते हैं, उन पे वो फोकस रखते हैं। तो दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं, जो सुरेश खत्री जी ने जो पॉइंट दिया है, रियली में इट्स डिजर्विंग कि जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, वो हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इस तरह ही रखते हैं कि वो आगे बढ़े, वो सक्षम हो, वो सफल हो, वो एक कदम आगे देखते हैं लोगों से, इसीलिए वो एंटरप्रेन्योर है, इसीलिए वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही है जो दुनिया से पहले आइडिया को सोचकर उस पर इंप्लीमेंट कर दे, बाकी सोचने के बाद में उसको यही कहेंगे लोग कि हाँ मेरे भी पास ये आइडिया तो था लेकिन मैंने किया नहीं। तो ऐसे कहने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे और सक्सेसफुल लोग वो हैं जो उस पर इंप्लीमेंटेशन करेंगे। दोस्तों, मैं आज सेवन सीक्रेट की तरफ बढ़ता हूं। सेवन सीक्रेट है दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिजनेसमैन को बाउंड करके रख लेती हैं, उनको पीछे से एक चेन की तरह बांधे रखती हैं। मैं काफी सेमिनार ले रहा होता हूं, वर्कशॉप लेता हूं, तो लोगों को मैं वहां पर देखता हूं, मैं उनसे कहता हूं इमेजिन करो यू आर ग्रोइंग एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड, तो वो आंखें बंद करके रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं सर मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? पूछा जाता है तो उनके पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस, पास्ट के उनके कुछ चीजें हैं जो उनको, उनके जो बिलीफ बन रखे, उनकी कुछ धारणाएं बन रखी है उनके अपने काम के प्रति, अपने प्रति, अपने विश्वासों के प्रति एक विश्वास बन रखा है कि वो क्या कर सकते हैं, उन धारणाओं ने उनको बांध रखा है। दोस्तों, मैं उनसे कहता हूं इमेजिन करो कि आपके हाथ में तलवार है और आप उन धारणाओं को, उन चेनों को पीछे से काट रहे हो, और दोस्तों जब वो काटने के बाद में वो आगे बढ़ने लगते हैं, उनके चेहरे पे वो खुशी, वो उनका चमचमाता चेहरा, खिलखिलाती आंखें और उनके चेहरे पे वो मुस्कान का भाव जो देखने को मिलता है, तो वो एक्सरसाइजेस में हम बेसिकली देखते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए भी यदि आपके पास कि पास्ट की कुछ धारणाएं ऐसी हैं, आपके पास के एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो आपने अपने बिलीफ बना लिए, जो आपने अपने रॉन्ग बिलीफ बना लिए, आपने मान लिया। क्या है बिलीफ? बिलीफ है यदि आपने मान लिया तो वो आपका बिलीफ है, और यदि आपने उसको जान लिया तो वो आपकी नॉलेज। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी गलत चीज को मान लेते हैं। देखिए, ये सत्य है, ये जानना है कि सूरज पूर्व से उगता है, ये सत्य है, ये जानना है। लेकिन अगर आप किसी चीज को मान लेते हैं, जैसे एक अमूमन
रूटीन नॉर्थ इंडिया में ये होता है कि बिल्ली आगे से निकल गई तो अपशकुन हो गया। अरे भाई जब बिल्ली आपके आगे से निकली है तो खतरा बिल्ली को है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाओ आपकी, आप अगर गाड़ी में हो तो आपको खतरा नहीं है। तो ये धारणा आपकी बनी हुई है जो आपको कहीं ना कहीं रोकती है। दोस्तों ऐसी कुछ धारणाएं हमारे अंदर हमारे बिजनेस से रिलेटेड बनी होती हैं, कुछ धारणाएं हमारे अपने कैपेबिलिटी के रिलेटेड बनी होती हैं, कुछ धारणाएं हमारे अपने स्किल्स और हमारे अपने एक्सपोजर के प्रति, प्रेजेंटेशन के प्रति बनी होती हैं। उन धारणाओं को हमें तोड़ना होगा, उन धारणाओं को हमें सुधारना होगा। दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूं, जरा सोच के देखिएगा कि आप के पास एक धारणा है कि आप इस एग्जाम में या आप इस प्रोजेक्ट में सफल नहीं हो सकते। तो एक बार अपने आप से पूछिएगा आप कितना परसेंट इफर्ट्स लगाएंगे उस काम को सफल करने में, आप कितने परसेंट जगेंगे, कितना परसेंट अपने लिए पेन लेना चाहेंगे कि हाँ मुझे इसमें, जब आपको ये पता है कि आप इसमें असफल ही होंगे तो आप कितना परसेंट हिम्मत लगाएंगे उसको एग्जाम में या उस प्रोजेक्ट को पाने में, शायद ना के बराबर। और जरा सोचिए जब ना के बराबर आप इफर्ट्स लगाएंगे तो आप वहां पर सफल कैसे हो सकते हैं, आप कैसे वहां पर 100% रिजल्ट ले पाएंगे। तो दोस्तों कौन रोक रहा है आपको, आपको आपकी धारणाएं रोक रही हैं, आपको आपके रॉन्ग बिलीफ रोक रहे हैं, आपको आपके जो आगे ना बढ़ने देने की इंस्टिंक्शन रोक रही है, आपके अपने थॉट्स रोक रहे हैं आपको। तो आपको अपनी उन धारणाओं को ठीक करना होगा, आपको अपने उन रॉन्ग बिलीफ को ठीक करना होगा, आपको अपने आइडियाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। दोस्तों मैं एक न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामर हूं, मास्टर लाइफ कोच हूं, एक बिजनेस कोच हूं, बिजनेस ट्रेनर हूं। लोग मेरे से पूछते हैं सर ऐसा क्या करें कि हम अंदर से इंस्पायर हों। मोटिवेशन स्पीचेस सुनने से आप कुछ देर के लिए इंस्पायर हो सकते हो, क्योंकि वो करता क्या है मोटिवेशनल स्पीकर, आपको कुछ स्टोरीज सुनाता है और उन स्टोरीज के बेस पे आपके सामने एक प्रोजेक्शन रखता है और आप उसे कुछ देर के लिए इंस्पायर होते हैं। लेकिन वो आपके अंदर में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जो आपको बांधे पड़े हुए हैं बिलीफ हैं, आपके सेटबैक्स हैं, आपके फेलियर्स हैं, आपके फियर्स हैं, जो आपको रोक रहे हैं, उन पे काम नहीं करता वो। अब उसको एग्जांपल से समझिएगा, यदि आपके पास, आप इस तरह से हो कि आपके पास एक बर्तन है, उस बर्तन में बहुत आग है और आप कहते हो इस आग को ठंडा करना है, और लोग मोटिवेशनल स्पीकर उसको बाहर से गीली मिट्टी से लेपने की बात करते हैं, तो हाँ कुछ देर के लिए वो गीली मिट्टी जब लेपी जाती है उस पे तो कुछ देर के लिए वो ठंडा लगता है, लेकिन उसके अंदर की जो आग है उस मिट्टी को भी सुखा देती है और वो मिट्टी फिर टूट जाती है। तो दोस्तों न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के तहत हम जो सेशन लेते हैं उनमें हम आपके उन इश्यूज को डिफाइन करते हैं पहले और फिर उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, और फिर आप जब आपके अंदर आग होती है, जब आपके अंदर उस बिजनेस को, उस सिस्टम को ग्रो करने के पीछे जो इंस्ट्रक्शन आपका अपनी डिजायर होती है, तो फिर आप खुद से इंस्पायर होते हैं, आपको किसी दूसरे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आपको किसी टीम की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बार बार किसी के वीडियो देखने या किसी की कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों ये थे 7 सीक्रेट्स जो आज हमने आपके साथ शेयर किए। मैं आशा करता हूं ये चीजें आप अगर अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो ना केवल आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाएंगे, बल्कि साथ ही आप अपने आप के लिए एक अपने खुद को इंस्पिरेशन कर पाएंगे, अपने परिवार के लिए एक रोल मॉडल बन पाएंगे और इस समाज के लिए एक बेहतर एसेट्स बन पाएंगे। दोस्तों ये टेक्निक्स हैं जो न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की हम कपल ऑफ इयर्स से लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, लोग बिजनेसमैनों के साथ शेयर कर रहे हैं, हम कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्रतिष्ठा जी दुबई से हैं, वो वहां भी अपने इस ट्रेनिंग को वहां पे कंडक्ट कर रही हैं, वो वर्ल्ड वाइड इस चीज को ट्रेनिंग कंडक्ट कर रही हैं। तो अब एक कोशिश थी हमारी कि हम इस नेगेटिव माहौल में कुछ सकारात्मकता फैलाएं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी आपकी कोई क्वेरी होती है आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मेरा अपना फेसबुक पेज तो यहाँ पे आ ही रखा है, मेरी वेबसाइट है rakhigaru.com पे शेयर कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं, हमारी तरफ से जितना भी होगा आपको असिस्ट किया जाएगा। प्रतिष्ठा भल्ला जी की अपनी वेबसाइट है, मैं उनसे बताना चाहूंगा, एक बार अपने हैंडल्स को आपके साथ शेयर कर दें। मेरे यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पे सारे हैंडल्स पे आप कहीं भी ढूंढोगे अनिल के कुमार इंप्रिंट्स आपको मिल जाएगा। मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर भी हूँ, अमेजोन पे मेरी बुक्स हैं। तो अब मैं प्रतिष्ठा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा थोड़ा सा अपने बारे में कैसे कॉन्टेक्ट किया जाए, अगर आपसे कोई कॉन्टेक्ट करना चाहे थोड़ा एक बार इंट्रोड्यूस कीजिएगा प्लीज। जी सर बिल्कुल, मेरा नाम, मेरा जो वेबसाइट का नाम है वो है pratishthabhalla.com। मैंने गोल्स मास्टरी के ऊपर स्पेशल एक प्रोग्राम बनाया रखा है जिसमें 3.5 घंटे से ऊपर की
रिकॉर्डेड वीडियो है प्लस लाइव सेशंस है जिसमें मैं स्पेशल हेल्प करती हूँ बिजनेसमैन या फिर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स एथलीट सबके लिए। एक गोल सेटिंग का स्पेसिफिक प्रोग्राम है जिसमें वन टू वन सेशंस भी लेती हूँ सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि उनके क्या इश्यूज है। तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं coach@pratishthabhalla.com। मेरे फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे मैं अवेलेबल हूँ। प्रतिष्ठा भल्ला के नाम से आप ढूंढेंगे तो मैं आपको जरूर मिल जाऊंगी। मगर सर मैं इस सेशन को खत्म करने से पहले एक चीज करना चाहती हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। श्योर, ये तो सौभाग्य है हमारा और हमारे सर हमने इतने सारे सीक्रेट्स सर हमने 7 सीक्रेट्स शेयर तो कर लिए हैं, मगर एक बार उनकी समरी कर लेते हैं सिर्फ पॉइंटर्स, ताकि लोगों को एंड में याद रहे कि हमने क्या 7 पॉइंट्स किए हैं। तो मैं एक बार आप समरी दे देती हूँ। तो जो 7 सीक्रेट्स है उनमें पहला सीक्रेट है फ्लाई लाइट, क्योंकि एंजल्स फ्लाई लाइट, बर्ड्स फ्लाई लाइट। सो हमें फ्लाई लाइट करना है, उसके लिए हमें अपने पास्ट पेनफुल मेमोरीज को रिमूव करना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज गेट रिड ऑफ पास्ट पेनफुल मेमोरीज एंड फ्लाई लाइट। सेकेंड है We should have goals and direction in our life. हमारी लाइफ में गोल्स का होना बहुत जरूरी है और गोल्स की तरफ काम करना बहुत जरूरी है। थर्ड इज फियर ऑफ प्रतिष्ठा जी, बिल्कुल सर। मैं मेरे व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि जो पॉइंट्स आपको प्रतिष्ठा जी दोबारा डिस्क्राइब कर रही है वो पॉइंट्स आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी व्यक्ति हो उनको पता चले कि इस वीडियो में क्या क्या चीजें हैं और आप हमें पता चले कि आप तक ये चीजें पहुंच रही हैं। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा साथ साथ में, ताकि मैक्सिमम लोग मेरे जयपुर के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस चीज का बेनिफिट उठा पाएं। क्योंकि मैं आज बेंगलोर से स्पेसिफिकली जयपुर के लिए आज इस पेज पे लाइव आया हूँ। मेरे से एडमिन ने रिक्वेस्ट की थी कि सर हमारे बंदों के लिए कुछ बेहतर होना चाहिए, और मैंने प्रतिष्ठा जी से रिक्वेस्ट की थी जो दुबई से की मेरे साथ ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि हम लगे हैं एक सोशल काम पे आज, इस नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी लाने के लिए। तो आपका भी अपना योगदान इस पे रहे कि इसमें आप इसको शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचिए, और जो भी आपको पॉइंट समझ में आते हैं वो आप हमें कमेंट्स में लिख दीजिए, ताकि आगे लोगों को भी हेल्प हो पाए, हमें पता चले कि आपको क्या पसंद आ रहा है। चलिए मैम प्लीज। बिल्कुल सर। तो थर्ड पॉइंट है फियर ऑफ जजमेंट, हमें बचना है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, उससे बाहर निकलना है, जिसके लिए आपने बहुत ही वंडरफुल टेक्निक्स बताई है। जिसने नहीं देखी वो जरूर देखे वीडियो को दोबारा और उन टेक्निक्स को अप्लाई करे। और फोर्थ पॉइंट है प्रॉब्लम थिंकिंग नहीं रखनी, सॉल्यूशन थिंकिंग रखनी है। सो फोर्थ पॉइंट इज गेट रिड ऑफ प्रॉब्लम थिंकिंग। फिफ्थ पॉइंट इज फियर ऑफ फेलियर से बचना है, हमें गिरने से नहीं डरना है। हमारे मेंटर्स बोलते हैं कि इंसान गिरते चलते चलते नहीं गिरता, रुक जाता है तब गिरता है। तो आप रुकिए मत, चलते जाइए, अपने फियर्स को हटाइए और आगे बढ़िए। और जरूर देखिए कि फियर रैशनल है या इरैशनल, जैसे कि अनिल जी ने बताया। उसके बाद हमारा आता है परफेक्शनिस्ट सिंड्रोम से बचे। एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन। एक्शन लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और यही एक एंटरप्रेन्योर जर्नी की शुरुआत है, और यही करना होता है एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को जो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना चाहता है। और फाइनल है अपने बिलीव्स को जरूर जरूर देखिए कि आपका बिलीव सही है या आपका बिलीव गलत है। अगर वो सिर्फ आपके माइंड में किसी पास्ट मेमोरी की वजह से बिलीव बना है तो उससे छुटकारा लीजिए। जब तक आपका बिलीफ एक यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है तब तक आपको उसको नहीं मानना है, आपको उसमें कॉन्ट्रडिक्शन लानी है, आपको सोचना है कि ये सही है गलत है, मेरे लिए फायदेमंद है या मेरे लिए नुकसान है कर रहा है। मीन्स आपको अपने हर बिलीफ के बारे में सोचना है कि इस बिलीफ की वजह से मुझे लाइफ में फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर आपको नुकसान हो रहा है तो उस बिलीफ से जरूर जरूर बचिए। और ये थे हमारे 7 सीक्रेट्स, और आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर अनिल जी फॉर कॉलिंग मी टू दिस चैनल, और आप सबसे इंटरेक्ट करने के लिए मौका मिला मुझे। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड गिविंग मी देयर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच अनिल जी। थैंक यू प्रतिष्ठा जी। एक बार फिर मैं पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा जो जयपुर स्टार्टअप से हमारे साथ जुड़ी हुई है, जयपुर एंटरप्रेन्योर्स टीम से, ग्रुप से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं स्पेशल थैंक करना चाहूंगा सुरेश खत्री जी का भी, जिन्होंने हमारे साथ एक वैल्यूएबल आइडिया शेयर किया कि इस माहौल में आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हमेशा अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए, ना कि समस्याएं। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही। अगर आपको किसी तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, कोई सवाल होता है, तो आप हमारे पर्सनल हैंडल्स पे शेयर कर सकते हैं, हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी आपकी वो कंसल्टेंसी देने की। चलिएगा दोस्तों, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत। Stay awesome and stay blessed. Thank you. Thank you, ma'am.